ये दोनों को देखे ना हमारी छोटी वाली बहन का याद आ गया। सो एक बोट होता है ना उस पे बना हुआ है ये मंदिर। यही चीज हम लोगों को और जितना यात्रा करोगे ना ज्यादातर आपको सीखने को मिलेगा। सभी मित्रों को नमस्कार, मैं हूं आपका भाई और साइकिल राइडर बिट्टू महाराज बिहार समस्तीपुर से, और मैं कर रहा हूं संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा। पैडल मारते 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 6 राज्यों की यात्रा करते करते इस वक्त मैं आ गया हूं लखीमपुर, नॉर्थ लखीमपुर जो असम में पड़ता है, और मैं जा रहा हूं ईटानगर की तरफ। तो इस गुरुद्वारा में हमारा रात्रि का विश्राम हुआ था, और देखो भाई साहब यहाँ से नीचे का नज़ारा कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आज हम यात्रा करेंगे ईटानगर के तरफ जाएंगे, और पूरा रास्ता का जो जर्नी होगा वो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और अब हम आपको मिलाने वाले हैं उनसे जिन भाई की वजह से हम यहाँ रुके हुए थे। ये है वो भाई। जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं कर रहा हूँ साइकिल यात्रा असम से। मैं भी साइकिल यात्रा नहीं, मैं यहाँ पे सोऊंगा। ये कॉमेडियन ज़्यादा है, ट्रेवलर कम है, और ये पाजी है भैया। हाय हेलो कर दीजिए कम से कम। हाय। निकलते हैं यहाँ से, जो भी होगा रास्ते में वो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलते हैं। हम जिस गुरुद्वारे में रुके हुए हैं उसका नज़ारा भाई देख लो, देख लो। वाह कितना सुंदर लग रहा है। रात में हम यहाँ पे आए हुए थे, और चलो अब हम चलते हैं आगे आगे की जर्नी करने के लिए। ये देखो मेरी साइकिल नीचे है, सारा कुछ सामान नीचे है, और सिर्फ मैं ऊपर था अपने इस बैग के साथ। चलते हैं आगे। अब नितिन भाई को विदा कहने का समय आ गया है। ये हमारे भाई भाई बहुत मजा भाई तो मजा किया है ही, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। अभी मंदिर घूम रहे थे, तो कुछ कहोगे भाई? मैं तो ये बोलना चाहूँगा, आप जो मोटिव से निकल रहे हो ना बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे साइकिलिंग करते रहो। साइकिलिंग करने से क्या होता है, जो आपका बॉडी में जो तकलीफ होता है ना वो दूर हो जाता है, और संपूर्ण बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। यही चीज हम लोगों को और जितना यात्रा करोगे ना ज्यादातर आपको सीखने को मिलेगा। आप जितने नए नए लोगों के साथ मिलोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों के साथ अभी मैं मिला हूं ना, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के साथ मिल, और मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला भाई, इतना जल्दी इतना ग्रो हो गया है। नितिन ब्लॉग के नाम से भाई फेमस है, जानते ही होंगे बहुत सारे लोग। भैया मैं दौड़ रहा हूँ यहाँ से, मुझे दौड़ना है भाई। ये कॉमेडी हमेशा करते रहते हैं भाई। मैं लाइफ में अभी तो उम्र, हम कितना दिन जिएंगे, आज से 10 दिन पहले हम क्या करेंगे हमें नहीं पता। इसके लिए जितना दिन हम जी रहे हैं ना खुल के जीते, वही तो यादें रह जाएगी हमेशा के लिए। हाँ यस, अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। चलो भाई, थोड़ा सा ही आगे आए थे तो ये देखो गणेश भगवान का मंदिर, और देखो ये सवारी। तो भाई यहीं से दिखाते हैं मंदिर की खूबसूरती। ये देखो ये जो है सो एक बोट होता है ना उस पे बना हुआ है ये मंदिर, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। चलो ठीक है भाई आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अरुणाचल जाता है तो? हाँ ये अरुणाचल जा रहे हैं भैया, राजधानी है। हाँ राजधानी है, अभी 40 किलोमीटर है यहाँ से। और बताइए ना आप तो यहीं से है ना? हमारा घर यहाँ। तो एक जगह रुके हुए थे भाई, देखो इसी दुकान के सामने, और ये खरीदे हैं। मतलब इतना तेज बारिश है ना भाई, इतना तेज बारिश है ना, क्या बताएं। रुक जाओ दिखाते हैं, देख पूरा मौसम खराब है भाई, और हमारा दिन खराब है आज। तो हम रुके हैं भाई खाना खाने के लिए, बहुत जोर से भूख लगा था। ये देखो पराठा और सब्जी खा के चलते हैं। ठीक है इस वक्त कहाँ पे हैं हम? असम आड़मटी में है। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक है चलते हैं। यूट्यूब में मिलेगा ना? हाँ यूट्यूब में मिलेगा, हिंद ट्रेवलर। हमें थोड़ा पी लिया, एकदम जरूरी है दोनों भाई मिलके एकदम। थैंक यू भैया। तो मैं आ चुका हूँ अभी पैडल मार मार के बंदर द्वार के पास। ये अरुणाचल का गेट है,
यहाँ से अरुणाचल में एंट्री होगी, लेकिन पास बनेगा और हम वहाँ जाएंगे कल। आज हम रुकेंगे एक भैया के पास, दिखाते हैं पीछे वाला कैमरा से। ये भैया के पास, भैया जी एक बार देख लीजिए इधर, ये देवरिया के हैं, उत्तर प्रदेश देवरिया के, प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज के हैं, और इन्हीं के पास रुकेंगे और कल यहाँ से निकलेंगे। तो मिलते हैं जहाँ पे रुकना है वहाँ पर जाके। कर रहे हैं बिट्टू, कर रहा है इंटरव्यू। तो अभी मैं आया हूँ मार्केट घूमने के लिए, कुछ कुछ खरीदने के लिए। तो जिनके पास रह रहे हैं ना, उन्हीं का बाबू है, दोनों मिलाते हैं। ये दोनों को देखे ना, हमारी छोटी वाली बहन का याद आ गया। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या नाम है? सोनाली। और तुम्हारा नाम क्या है बाबू? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। और ये भी बहुत प्यारी है, ये नहीं है। और इसी भैया के यहाँ रह रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। चलो चलते हैं अब उनके घर पे, जहाँ पे मुझे रुकना है रात को। इसके लिए है तो इसमें से आधा तुम खा लो और आधा हमको खिला दो। जल्दी बोलो, मुख में से हाथ निकालो, जल्दी बोलो। आधा खिलाएगी आधा तुम खाएगी। देखो भाई कितना सारा खाना आ गया है। तो खाना खाते हैं और ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं कल, ईटानगर चलेंगे, उसका ब्लॉग जरूर देखना। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमारे वीडियो का डोज हर रोज़ लेते रहना। बाय बाय, गुड नाइट।